बिता थारूक राम राम। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको नौठो ओडामा 138 जना युवा युवती हुकन एक फ्यारा मेरमेरिक तालिम सिपमूलक मेरमेरिक आधारभूत सिपमूलक तालिम देखिल बा सिपमूलक तालिम देख आत्मनिर्भर करेना उद्देश्य लिएक एक फ्यारा धेर संख्यामा युवा युवती हुकन तालिम देखिलक हो। हातमा कौनो फी सिप निहुवेर आत्मनिर्भर हुई व रोजगार पाए समेत समस्या होइना हुलक ओरसे सिपमूलक तालिम प्रदान कैगिलक लुम्बिनी प्रदेश सांसद कृष्णा केसी जनैल बाटे। सांसद केसी आपन सांसद विकास कोषमा से विनियोजन करलक 49 लाख रुपया से तालिम दे गिल रह। तालिम संचालन भरी जिला घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय बाँके करलक कार्यालय प्रमुख रमेश बहादुर बुढाथोकी जानकारी दिल। वहाँका अनुसार मोबाइल मर्मत सिलाई कटाई कम्प्युटर ब्युटिसियन व हाउस वायरिङ तालिम सञ्चालन कैगिल रह। वडा नम्बर 1 15 जहन मोबाइल मर्मत 2 16 3 17 6 15 व 8 16 जन आधारभूत सिलाई कटाई तालिम पहिलो रह। वसेंख वडा नम्बर 4 16 जहन बेसिक कम्प्युटर वडा नम्बर 5 17 व 9 16 जहन ब्युटिसियन तथा वडा नम्बर 7 15 जहन हाउस वायरिङ तालिम देखिल रह। तालिममा सहभागी हुकन मेरमेरिक सामग्री समेत प्रदान कैगिल रह। नरेनापुर व राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा सिपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि सांसद केसी 70 लाख रुपियाँ छुटेलसे फे 21 लाख रुपियाँ भरि फिर्ता हुलक वहाँ जानकारी दिली। तालिम सहभागी हुक र उपरक तहक तालिमका लागि सांसद केसी आग्रह गर्नबाट अधिकांश प्रशिक्षार्थी हुक र उपरक तहक तालिम उडाम सिक्न अवसर पहिलसे आत्मनिर्भर व रोजगारीका लागि सहज हुना जनैलबाट आधारभूत तहको तालिम लिएक सकुबाट कर निषेक जिना जनैती। तालिममा सहभागी रीता थारू डिप्लोमा लेभलको तालिम हुइलसे मजा हुना जनैल बाटी। केसी आगामी वर्षमा एडभान्स तालिमको व्यवस्था कैजिना जनैल बाटी। आधारभूत लेभलको तालिम लिएक केलह निहुना बतैती। उहाँ थप उपरोक्त तहको तालिमको लागो पहल सुरु कैगिलक जनैली। अपनो सिक्लक सिप अनुसार सामान समेत पहिलो कोर्सी उही घरमा प्रयोगमा लानक लागो उहाँ सकु जहन सुझाव दिली। आधारभूत तालिम सिक्लक हुकन और मेरमिरिक निकायमा हुना तालिममा समेत सहभागी करेना आपन प्रयास हुना सांसद केसी जनैल बाटी। करिब 2 दशक आगतेसे निर्माण सुरु कैगिलक राष्ट्रिय गौरवक सिक्ता सिजाई आयोजनाक पूर्वी नहरसे पानी आपूर्ति नियमित हुइल पाछ कृषक हुक्र उत्पादन बहडा आशालेक खुसी हुइल बाट। पूर्वी नहरसे 4200 हेक्टरमा सिजाई सुविधा पुगल पाछ करिब 7000 किसान हुक्र अब वर्षभर खेती गर पानीको सुनिश्चितता हुइलक जनैल बाट। सिक्ता सिजाई आयोजनाक सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विशाल यादवक अनुसार 37 किलोमिटर पूर्वी नहर व उह अन्तर्गत 6 ठो शाखा नहरको निर्माण काम सम्पन्न गरेको 2 साटा पहिलो सञ्चालनमा लानगिलक हो। राप्ती सुनारीको किसान जगबहादुर गिरी फतेपुरसम्म आयोजनाको नहरमा पानी पुगल पाछ बर्खाको भरमा केलह खेती गर्न बाध्यता समाप्त हुइलक जनैती। अब जोन फे खेती जत्राफे बेला कर पैना जनैलबाट। ओसेकेको अगुवा किसान तथा संविधान सभा सदस्य पट्टु थारू गाउँमा सिक्ताको पानी पुगल पाछ किसान हुकनको दिनचर्या बदललक जनैती। अब वर्षमा 4 बालीसम्म खेती गर सेक्जिना जनैलबाट। आयोजनाको निर्देशक रमेश बहादुर सिंह अब 15 किलोमिटर मूल नहर व कुछु शाखा नहर निर्माणका काम केलह बाँकी रलकोर्सी उह कार्य फे हालिया पुरा हुन विश्वास व्यक्त गर्ल। पूर्वी नहर निर्माणका लागि 2074 साल भदौ 9 गते कालिका कुमार जेबीसँग 3.6 करोड 98 लाख रुपियाँ ठेक्का सम्झौता कैगिल रह। मेरमेरिक प्रकारको बाढा अर्चनको बावजुद फे कालिका कुमार जेबी म्याद थप गर्दी नहर निर्माण सम्पन्न गर्ल रह। बाँकेको करिब 43,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगैना उद्देश्य लिएको आर्थिक वर्ष 2061-62 थिसे सिक्ता सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु गर्लक हो। जबरजस्ती करणीका मुद्दा मिलापत्र कर दबाव दिन 4 जहन कोहलपुर प्रहरी नियन्त्रणमा लेलबा। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा हुइलक बलात्कारका घटना मिलापत्र करैना कति 18 लाख
लेक घटना लुकाए खोजना चार जहन प्रहरी नियन्त्रणमा लेलखो और कुछ फरार अलग प्रहरी स्रोत जनैलबा प्रहरी स्रोत का अनुसार मेलापत्र कर दबाब देना आरोप में पवित्र धक्काल माया हमाल रंजिता थारू विजय पोखरेल नियंत्रण में ले गिलखो पीड़ित महिला का उजुरी का आधार में हुकन पकड़ाओ कई गिलक प्रहरी का भनाइबा हुक्र मुद्दा मिले ना कति आपन जबरदस्ती 18 लाख देलक ओह रकम बापत 4 लाख मिलापत्र बापत का खर्च कति हुक्र लैगिलक पीड़ित महिला देलक उजुरी में उल्लेख हुईलक एक प्रहरी जानकारी देल इलाका प्रहरी स्रोत का अनुसार मिलापत्र कर दबाव देलक कति अदालत में मुद्दा दर्ता हो सकलबा और कुछ फरार अलग हुकन का खोजी हुई थी रहलबा बलात्कार आरोपी हफे पकड़ाओ कर कार्यवाही प्रक्रिया आग बढ़ा गिलक प्रहरी का भनाई रहलबा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय का एकठो आगे कैंपस बागेश्वरी बहुमुखी कैंपस कोहलपुर का विद्यार्थियों का शिक्षक द्वारा केक कटाक गुरु पूर्णिमा मनैला बाट बागेश्वरी बहुमुखी कैंपस शिक्षा शास्त्र संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का केक काट लगाक प्राध्यापक गुरु हुकन का सम्मान कर रहल केक कटी कैंपस प्रमुख दान बहादुर ई संस्कृति जोगाई धर विद्यार्थी हुकन धन्यवाद दिल रहल गुरु शब्द आपन में गर्व करना लायक हुई लकुर्सी गुरु व शिक्षक हुकन संबंध लगक हुई प्रणाम सकुन का जोड़ रह बागेश्वरी बहुमुखी कैंपस कोहलपुर म विगत थे से ई परंपरा मनाईती अल को गुरु हुक्रफे आज 21वीं शताब्दी का गुरु निहोक काल्लुक परंपरागत हुई पर्ना हरेक गुरु हुक्र देलक शिक्षा तथा शिफ शिष्य हुक्र अंगीकार करपना बात वकालत करती गुरु पूर्णिमा मनैलक उप प्राध्यापक एकराज शर्मा जानकारी दिल विदेशी संस्कृति भित्रेलक ओर्सी संस्कार आजकल हिड़ती गलक बेला यह निरंतरता देह अनुशासन में रहीक संस्कार का पालना करना मजा हुलक ओर्सी आयोजक विद्यार्थियों को समेत धन्यवाद दिल गुरु पूर्णिमा दिवस शिक्षा शास्त्र संकाय स्नातक तह दोसरो व चौथो वर्ष में चौथो तह में अध्ययनरत विद्यार्थी आयोजना करल रह गुरु पूर्णिमा हिंदू संस्कृति का मुख्य परंपरा हो गुरु पूर्णिमा तथा व्यास गुरु जयंती का अवसर में जीवन का आरंभ थी शिक्षा एवं दीक्षा का मार्गदर्शन करना सकु गुरु हुक्र गुरु वर्ग हुकन वर उच्च सम्मान में ई पर्व मनाईती आगिलक पाजिठा दांग राप्ती गांवपालिका वडा नंबर 3 मुसरिया से लागू औषद सहित 5 जना प्रहरी पकड़ाउ करलबा पकड़ाउ परनामा दांग राप्ती गांवपालिका 3 मुसरिया बैसना 27 वर्षीय सेरे कैजना दिलीप कामी ओठाउँ बैसना 22 वर्षीय सूरज कामी वडा नंबर 4 बैसना 22 वर्षीय सुशील गिरी वडा नंबर 1 बैसना 20 वर्षीय नेहा राई व रोल्पा लुंगरी एक घर होक्का हाल राप्ती 1 बैसना 30 वर्षीय छविलाल पुन मगर रहल बाट रामकली कामी को घर में लागू औषध कारोबार तथा सेवन हुई थी नाम विशेष सूचना का आधार में प्रहरी चौकी मुसरिया दांग से प्रहरी नायब निरीक्षक निम बहादुर खत्री को कमाण्ड में खटलक प्रहरी टोली पकड़ाऊ करलक हो प्रहरी नायब निरीक्षक खत्री के अनुसार उक्त घर में रीतपूर्वक खान तलाशी करबेर लागू औषध 3 ग्राम 0.1 मिलीग्राम फैला पार को हुकन नियंत्रण में ले गिलक हो दांग जिला अदालत से 7 दिन का म्याद थप गई का आवश्यक अनुसंधान हुई तिरल खत्री जनैल बाट सुदूरपश्चिम पैलक फैरा सरकार का अनुदान में मोती पञ्चेश्वरी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक रामसागर शाहको श्रीमती नक्कली स्वास्थ्यकर्मी बनको बेरम्याह सुई लगैती पक्राउ परल बाटी उहाँका साथमा से प्रहरी औषधि व सुई समेत बरामद गर्लबाट स्वास्थ्य शाखा संयोजक शाह श्रीमती श्यामा शाह जनकपुर से पञ्चेश्वर बलाख औषधि पसल सञ्चालन कर लगै लरल उहाँका श्रीमतीको नाउँ धैक श्यामा क्लिनिक चलैटी अहिलक पत्ता लागल बा पुर्ख्यौली घर जनकपुर हुइलसेफे विगत 17 वर्ष त्यसै बैठडी बैस्ती श्यामा स्थानीय बेरम्यासँग बैठडेली व होटेली भाषा बोल्ना करलक पागिल बा श्यामा बेरम्याकनको रगत तानक ल्याबमा परीक्षण गर्ना करलक जनागिल बा उहाँमा
स्वास्थ्य उपचार तथा औषधि सम्बन्धी कौन शिक्षा निहुलक जिला प्रशासन कार्यालय जनैलबा प्रशासन कार्यालय स्थानीय जनगुनासो पाछ गत जेठ दुई गते मेडिकल सिल कर्ल रह प्रशासन सिल कर्लक मेडिकल पुनः सञ्चालन कर्लक ब्रह्म्याउ कन्ह सुई लगैती लगैती प्रहरी श्यामा शाह पक्राउ कर्लक हो। जिला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम बहादुर शाही प्रशासन कार्यालय अवैध ठहर कर्ती सिल कैगिलक श्यामा क्लिनिक पुनः सञ्चालन कर्लक पागिल पाछ सञ्चालक श्यामा पक्राउ कर्गिलक जनैलबाट छैठौँ तहक सिनियर अध्यव राम सागर शाह विगत 27 वर्ष थिए पञ्चेश्वरको मिरमिरिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रतियालबाट स्थानीय तहको पुनर्संरचना पाछ शाह गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक जिम्मेवारी पहिलो खुइत शाहपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन नियमन तथा व्यवस्थापन कल्पना दायित्व पहिलो सेफे आफ्नो श्रीमतीको नाउँमा गैर कानुनी काम कर्ती अहिलक स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख योगेश प्रसाद भट्ट जनैलबाट ओ बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडप्लक प्रकरणमा अनुसन्धान कर प्रहरी थप दुई जहन पक्राउ कर्लबा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी समरजङ कम्पनीका पूर्व अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल ओ नक्कली मोही देव नारायण महर्जन ह काठमाडौँ से पक्राउ कर्लक सिआइबीका निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्य पुष्टि कर्ल सिआइबी आइतबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि तीन जहन पक्राउ कर्ल रह वहाँका आगत सात जहन पक्राउ कर्लकमा सर्वोच्च अदालत से पहिलो निषेधाज्ञाको आदेश देलक तीन जना छुटल रह यो प्रकरणमा हालसम्म नौ जना ब्युरोको हिरासतमाबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा कर्ना अनियमिततामा सरकारी कागजात कर्ना कृत्य कर्लक आरोपमा सिआइबी अनुसन्धान कर्तिबा मई सुविधा थारू विदा हुइटु राम राम।